चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां जेजेपी पार्टी को लगने वाला बड़ा झटका ओम प्रकाश देने वाले हैं। बड़ा झटका, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। ओम प्रकाश चौटाला जेजेपी को बड़ा झटका देने वाले हैं। डॉक्टर केसी बांगड़ को ओम प्रकाश चौटाला के बुलावे का इंतजार है। कभी नेलो के फ्रंट लाइन लीडर रहे केसी बांगड़ ने ओम प्रकाश चौटाला का साथ छोड़कर राजनीति आत्महत्या कर ली। डॉक्टर केसी बांगड़ कभी नेलो में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे और ओम प्रकाश चौटाला के बेहद करीबियों में शुमार थे। कहा जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला ने डॉक्टर केसी बांगड़ को हद से ज्यादा मान सम्मान दिया और उन्हें ना सिर्फ चुनाव लड़वाए बल्कि केसी बांगड़ को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तक मनोनीत करवाया। लेकिन बदलते हालात में जब दुष्यंत चौटाला ने लेनो से अलग होकर जेजेपी पार्टी बनाई तो डॉक्टर केसी बांगड़ ओम प्रकाश चौटाला के सारे एहसान भूलकर जेजेपी के पक्ष में खड़े हो गए। हालांकि जेजेपी में गठबंधन सरकार बनने से पहले तक डॉक्टर केसी बांगड़ को दुष्यंत चौटाला ने पूरा सम्मान दिया था और राष्ट्रीय महासचिव तक के बड़े पद भी दिए। जैसे ही विधानसभा चुनाव के बाद जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में आई तो ना सिर्फ डॉक्टर केसी बांगड़ बल्कि कई राजनीतिक विशेषकों का भी मानना कि उन्हें अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। लेकिन समय बीतता गया और डॉक्टर केसी बांगड़ को राजनीतिक पतन शुरू हो गया। फिलहाल हालात ये है कि डॉक्टर केसी बांगड़ राजनीतिक तौर पर इन दिनों गुमनामी के दौर में जी रहे हैं और उन्हें कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर केसी बांगड़ की आखिरी उम्मीद ओम प्रकाश चौटाला से है, जिससे उनकी इनेलो में घर वापसी के आसार बन गए हैं। हालांकि बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला केसी बांगड़ के साथ बातचीत बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर केसी बांगड़ की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद।